मैं गणेश राठौर। आज हम अशोक का हृदय परिवर्तन का अगले गद्यांश की व्याख्या करने जा रहे हैं। जिस प्रकार से अशोक का हृदय परिवर्तन किस प्रकार से होता है, कलिंग की महारानी अंकिता के शब्दों और वचनों को सुनकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार से अशोक एक क्रूर स्वभाव का व्यक्ति राजा रहता है और हिंसा प्रवृत्ति स्वभाव उसका रहता है, परंतु अमिता की बातों को सुनकर किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन होता है, सरल और शब्दों को सुनकर महारानी की बातें निश्चल प्रेम से सुनकर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह हिंसा को छोड़कर अहिंसा परिवर्तन में लग जाता है। अब वह किसी को नहीं डराएगा, ना किसी पर क्रूरता पूर्ण व्यवहार करेगा। अब वह विजय अहिंसा पूर्वक व्यवहार से विजय प्राप्त करेगा। जिस प्रकार से कलिंग की महारानी विजय महारानी अमिता अपने राज्य में नियम को चलाती है और कार्य करती है, उसी प्रकार से अशोक भी अपने आप को परिवर्तन कर लेता है अमिता की बातों को सुनकर। इस प्रकार से इस अध्यास को बताने का प्रयत्न किया गया है। इस अध्यास की व्याख्या करने के लिए संदर्भ आता है, तो संदर्भ हमने नेक्स्ट वीडियो में कर लिया है, जो पूर्व अनुसार है, परंतु यहाँ पर हमने लिख लिया है। इसे संदर्भ में बताया गया है क्या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वासंती के अशोक का हृदय परिवर्तन नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसके रचयिता या इसके लेखक यशपाल जी है। इस प्रकार से यह संदर्भ हो जाता है, इसका संदर्भ कंप्लीट हो जाता है। संदर्भ के बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में क्या दे रखा है, जो मुख्य बातें दे रखी है वही उनको प्रसंग में लिखना होता है। तो इस पंक्तियों में मुख्य बातें क्या बताई गई, प्रस्तुत गद्यांश में अमिता के प्रभाव से परिवर्तित सम्राट अशोक की प्रतिज्ञा अंकित होती है। अर्थात क्या बताया गया है कि प्रसंग में लिखने में आता है कि जो अशोक रहता है, सम्राट अशोक रहता है, जो अमिता महारानी अमिता के बातों को सुनकर उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है और प्रतिज्ञा करता है, अंकित करता है कि आज से मैं हिंसा नहीं करूंगा, किसी को नहीं डराऊंगा, क्रूरता में छोड़ दूंगा, अब मैं अहिंसा परम धर्म का पालन करूंगा। इस प्रकार से वह प्रतिज्ञा करता है और अपने राज्य में यह प्रतिज्ञा अंकित कर देता है। इस प्रकार से इसका प्रसंग हो जाता है। प्रसंग के बाद आती है व्याख्या, ठीक है। व्याख्या से पहले हम विशेष देख लेते हैं। व्याख्या करने से पहले विशेष देख लेते हैं। विशेष में क्या बताया गया कि अशोक का हृदय परिवर्तन के बाद हिंसा छोड़कर प्रेम का मार्ग अपनाने की प्रतिज्ञा करते हैं, ठीक है। यह विशेष में लिखना होता है कि जिस तरह अशोक रहता है वह हिंसा छोड़कर अपने प्रेम के मार्ग पर चलने लगते हैं, यह प्रतिज्ञा वो करते हैं। दूसरा है सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। इस अध्याय गद्यांश में हमको सरल शब्दों का और सुबोध शब्दों का और खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है, यह इसका विशेष हो जाता है, ठीक है। विशेष के होने के बाद हम व्याख्या कर लेते हैं। व्याख्या में क्या बताया गया है, सम्राट अशोक प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी से छीनेगा नहीं, किसी को डराएगा नहीं, किसी को मारेगा नहीं। अब अशोक हिंसा और युद्ध से विजय की कामना नहीं करेगा। वह कलिंग की विजय महारानी की भांति निश्चल प्रेम से संसार के हृदय को विजय करेगा। अर्थात क्या बताया गया है कि जिस प्रकार से लेखक के माध्यम से बताया गया है अशोक का हृदय किस प्रकार से परिवर्तन होता है, उस बातों को प्रस्तुत किया गया है कि जिस प्रकार से हमको देखने को मिलता है अशोक का हृदय परिवर्तन के माध्यम से हमको देखने को मिलता है कि किस प्रकार से उसका हृदय परिवर्तन होता है। जो कलिंग की महारानी रहती है अमिता, उसके माध्यम से अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जब हमको देखने को मिलता है मध्य से बताया गया है सम्राट अशोक प्रतिज्ञा कब करते हैं कि अमिता की बातों को सुनकर उनका हृदय परिवर्तन होने लग जाता है। जिस प्रकार से अमिता की बातें सरल सुस्पष्ट बातों को सुनकर अशोक
सम्राट अशोक की प्रतिज्ञा करता है कि वह किसी से छीनेगा नहीं किसी को राय, अर्थात ना तो किसी से छीनने का प्रयत्न करेगा ना किसी को क्रूरता पूर्वक डराने का प्रयत्न करेगा। अब वह यह प्रतिज्ञा करता है इस प्रकार से किसी को ना मारेगा, अब अशोक हिंसा को छोड़कर ना युद्ध करेगा, ना युद्ध से विजय की कामना भी नहीं करेगा, ना युद्ध भी छोड़ देगा, ना किसी प्रकार से कोई हिंसा करेगा, है ना। वह कलिंग की विजय महारानी की भांति, है ना, कलिंग की विजय महारानी को अभी जो भूमिका रहती है वह कलिंग की महारानी रहती है, वो जिस प्रकार से उनका कार्य रहता है उसी प्रकार से कलिंग की महारानी की तरह वह भी अपने राज्य को निश्चल भांति, है ना, निश्चल प्रेम से संसार को विजय, संसार के लोगों के विजय हृदय को जीतेगा और विजय हासिल करेगा। जिस प्रकार से कलिंग की महारानी अपने राज्य को चलाती है, उनके कलिंग की महारानी की बातों को सुनकर अशोक भी प्रतिज्ञा कर लेता है, अब मैं किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं करूंगा, ना किसी को भयभीत करूंगा, ना डराऊंगा, ना हिंसा पूर्वक किसी का राज्य में छीनने का प्रयत्न करूंगा, और अहिंसा पूर्वक विजय की कामना में करूंगा। इस प्रकार की वह प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार से यह गद्यांश की व्याख्या पूर्ण हो जाती है।